आप सबका खैर मकदम है। कल 25 मई को कुलगाम जिले में भी जो हमारे लोकसभा जनरल इलेक्शंस होने हैं, कुलगाम जिला अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है। हमारे यहाँ तीन असेंबली सेगमेंट हैं जिसमें दमाल, हांजीपुरा, देवसर और कुलगाम है। टोटल हमारे 364 पोलिंग स्टेशन है और 271 पोलिंग लोकेशंस हैं। आज हमारा जो डिस्पैच का डे था, तीनों डिस्पैच सेंटर्स जो हमारे रिस्पेक्टिव असेंबली सेगमेंट्स के लिए हैं, वहां से हमारे सभी जो पार्टीज को डिस्पैच किया गया है और 100% ऑल एवरी पोलिंग पार्टी हैज रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन प्रॉपरली। उनका वहां पे पोलिंग स्टेशन प्रोमाइसिस में एंटी सबोटाज चेक के बाद प्रॉपरली सभी पोलिंग अमले को वहां पे इंडक्ट किया गया है। सभी पोलिंग स्टेशंस में सारी फैसिलिटीज की जो सारी प्रेपरेशंस प्रॉपरली की गई हैं। विद इन पोलिंग पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन जितना भी फर्नीचर या जो भी वहाँ बाकी चीजें जरूरत हैं, साइनेज की जरूरत है, दैट दैट हैज बीन पुट इन प्लेस। इसी के साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मैंडेटरी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज रखनी होती हैं, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, जिसमें टॉयलेट की अवेलेबिलिटी, रैंप्स की अवेलेबिलिटी, ये सारी रखी गई हैं। जिले में जितनी भी हमारी पोलिंग लोकेशंस हैं, सभी पोलिंग लोकेशंस पे एक एक व्हीलचेयर भी रखी गई है। इसी के साथ जिन पोलिंग लोकेशंस पे दो से ज्यादा हमारे जो है पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ एक एक एक्स्ट्रा जो है व्हीलचेयर भी रखी गई है। सभी पोलिंग स्टेशंस में एक हेल्प डेस्क भी रखा गया है, जहाँ पे हमारा जो BLO, हमारा जो आंगनवाड़ी वर्कर है, वहाँ पे रहेंगे। किसी को भी असिस्टेंस की जरूरत होती है, दैट दैट वुड बी डन। इसी के साथ जो हमारा पोलिंग पर्सनल है, पोलिंग अमला है, चाहे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, पोलिंग ऑफिसर्स हैं, हमारी सेक्टर ऑफिसर्स हैं, उन सबको एडिक्वेटली ट्रेन किया गया है। उनको सबको एडिक्वेटली सेंसिटाइज भी किया गया है कि किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे हमारे वोटर्स को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। अगर कोई भी बुजुर्ग वोटर है, कोई भी हमारा सीनियर सिटीजन है, स्पेशली एबल्ड वोटर है, हमारी कोई जो है लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट मदर है, उन सबको जो है स्पेशल केयर, स्पेशल अटेंशन दिया जाए। इसी के साथ जो हमारा आर्म्ड फोर्सेस, CAPF, पुलिस सबका डिप्लॉयमेंट है, दैट हैज बीन डन अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज वेल, द एंटायर सिक्योरिटी ग्रिड इज वेल इन प्लेस। फ्लाइंग स्क्वाड्स, QRTs को भी प्रॉपरली डिप्लॉय किया गया है। कल शाम 6 बजे से जिले में जो सेक्शन 144 के अंडर रेस्ट्रिक्शंस आर इन प्लेस, ब्रॉडली दो एस्पेक्ट्स के रेस्ट्रिक्शंस हैं। एक जो हमारा 48 आवर्स का साइलेंस पीरियड होता है, इस दौरान मीन्स कल शाम, यस्टरडे 6 PM ऑनवर्ड्स टिल टुमारो क्लोज ऑफ द पोल, ये जो 48 आवर्स का टाइम है, इस दौरान कोई भी पॉलिटिकल कैंपेनिंग, कोई भी पॉलिटिकल रैली, मीटिंग्स अलाउड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी यूज ऑफ लाउड स्पीकर इज नॉट अलाउड फॉर एनी काइंड ऑफ इलेक्शन कैंपेनिंग। इसी तरीके से जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, दे आर अलाउड ओनली 3 व्हीकल्स विद देम। वन इज फॉर दी कैंडिडेट हिमसेल्फ, अनदर इज फॉर हिज इलेक्शन एजेंट फॉर दी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड अनदर इज फॉर द इलेक्शन एजेंट और ए पोलिटिकल वर्कर विद इन एन असेंबली सेगमेंट। सो इसके बगैर किसी को भी कोई भी दूसरी गाड़ी वो यूज नहीं कर सकते हैं, और अगर कैंडिडेट की गाड़ी में खुद कैंडिडेट नहीं है तो दूसरा व्यक्ति उस गाड़ी को यूज नहीं किया जा सकता है। और सभी इन गाड़ियों को यूज करने के लिए उनको परमिशन की जरूरत होती है, और दे हैव टू डिस्प्ले दोज परमिशन ऑन द विंड स्क्रीन ऑफ दीज व्हीकल्स। इसी के साथ जो पोलिटिकल वर्कर या पोलिटिकल फंक्शनरी यहाँ का वोटर नहीं है, अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर नहीं है, ही ऑल्सो कैन नॉट बी विद इन द डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग दिस 48 आवर्स पीरियड। दिस इज एज पर द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। दिस इज एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसी के साथ हमारी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं पोल डे पे, विद इन 100 मीटर्स ऑफ द पोलिंग स्टेशन प्रेमाइसिस, इस 100 मीटर के अंदर कोई भी कैनवसिंग अलाउड नहीं है, इसके अंदर कोई भी डिस्प्ले ऑफ सिम्बल्स, डिस्प्ले ऑफ इलेक्शन मटीरियल अलाउड नहीं है। इस सब के बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इन्फॉर्म किया गया है, थ्रू पब्लिक नोटिस भी हमने इशू किया है, ताकि सब लोग इस पे इसके बारे में वाकिफ हों। कहीं पे भी कोई अनलॉफुल असेंबली अलाउड नहीं है। अनलॉफुल असेंबली जो है ये आईपीसी में डिफाइंड होता है कि अनलॉफुल असेंबली किसको कहते हैं। जब भी कोई 5 से ज्यादा की कोई असेंबली इस ऑब्जेक्टिव के साथ कहीं पे इकट्ठा हो, दैट दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दे वांट टू ब्रीच पीस एट अ सर्टेन प्लेस, सो उस अनलॉफुल असेंबली पे को भी किसी भी तरीके से अलाउ नहीं किया जाएगा। पूरे जिले में हमारे लगभग 61 सेक्टर्स हैं, वो 61 सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स हैव बीन डिप्लॉयड, हमारे जोनल मैजिस्ट्रेट्स हैव बीन डिप्लॉयड। इसी तरीके से पुलिस साइड से भी पुलिस
जोनल ऑफिसर्स, पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स हैव बीन डिप्लॉयड, जिनका काम यही है टू एंश्योर दैट कहीं पे भी किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हो, कहीं पे किसी भी किस्म का कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो जिससे स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस में कोई भी बाधा आ सके। हमारे अब की बात जितने भी 100% पोलिंग स्टेशन है सभी पे वेबकास्टिंग रखी गई है। वेबकास्टिंग का मतलब हुआ सभी पोलिंग स्टेशन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल के तहत कैमराज लगाए गए हैं जहां से लाइव फीड आती है, जो लाइव फीड हमारे पास यहाँ कंट्रोल रूम में भी आती है, जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जेएनके के कंट्रोल रूम में भी जाती है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल रूम में भी जाती है, जिसे थ्रू आउट द डे मॉनिटर किया जाता है पूरी पोल प्रोसेस को। इसके साथ साथ लगभग 150 लोकेशंस पे हमने बाहर एक्सटीरियर कैमरास भी लगाए हैं जहां से लाइव फीड आती है टू एंश्योर टू मॉनिटर दैट द पोलिंग इज कंडक्टेड सेफली। हमारे यहाँ और लगभग 270 माइक्रो ऑब्जर्वर्स आर ऑल्सो डिप्लॉयड इन द इलेक्शन प्रोसेस। इनका काम, माइक्रो ऑब्जर्वर्स का काम होता है दैट दे रिपोर्ट टू द जनरल ऑब्जर्वर की पूरी पोल प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं पोलिंग स्टेशन में टू एंश्योर दैट एवरीथिंग इज डन इन अ स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट इन अ फ्री एंड फेयर वे। 9 मॉडल पोलिंग स्टेशन हमारे जिले में बनाए गए हैं, 3 पर असेंबली सेगमेंट। इसमें से 3 मॉडल पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं विच आर फुली मैनेज्ड बाय आर फीमेल ऑफिसर्स, इसमें से 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं विच आर मैनेज्ड बाय आर स्पेशली एबल्ड ऑफिसर्स, एंड 3 आर मैनेज्ड बाय आर यूथ ऑफिसर्स। कल जो पोलिंग का टाइम रहेगा वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो पोलिंग का टाइम रहता है। इस दौरान कोई भी जितने भी हमारे वोटर्स हैं वो घरों से निकल के हमारे नजदीकी जो उनका रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन होता है वहां जाके वोट डाल सकते हैं। पोलिंग शुरू होने से पहले, मतलब 7 बजे से पहले, 1.5 घंटा पहले, 90 मिनट्स प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द पोल, सभी पोलिंग स्टेशन पे एक मॉक पोल किया जाता है विच इज डन इन प्रेजेंस ऑफ द पोलिंग एजेंट्स एंड द माइक्रो ऑब्जर्वर। मॉक पोल की प्रोसेस भी सभी जगहों में 5:30 शुरू हो जाएगी। इसका प्रोटोकॉल ये रहता है कि अगर 5:30 बजे इक्वल पोल एजेंट्स वहां पे उपस्थित हैं तो मॉक पोल 5:30 बजे शुरू किया जाता है। अगर उस पोलिंग किसी पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट्स अवेलेबल नहीं है या सिर्फ एक पोलिंग एजेंट अवेलेबल है तो 15 मिनट तक वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वेट करता है और 15 मिनट के बाद ही मॉक पोल शुरू करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ के वहां पे पोलिंग एजेंट उस समय प्रेजेंट है कि नहीं है। सो इस पूरे प्रोटोकॉल को हमारे सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पोलिंग ऑफिसर्स को अच्छे से दिखाया गया है, अच्छे से समझाया गया है, एंड वी आर वेरी होपफुल दैट वी विल बी एबल टू इंश्योर फ्री फेयर एंड स्मूथ इलेक्शंस इन द डिस्ट्रिक्ट। इस समय मुझे लगता है पूरे जिले में बड़ा एक जोश खरोश का माहौल है, पीपल आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। जो पिछले दिनों हमारी जो स्वीप एक्टिविटीज पिछले कम से कम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से कंटिन्यूसली चल रही थी, हमने कोशिश की घर घर जाके, हमने कोशिश की कि हर किसी पोलिंग बूथ पे एक्टिविटीज हो, हर किसी तहसील में एक्टिविटी हो, जिला स्तर पे एक्टिविटीज हो, ताकि लोगों को जो है अवेयर किया जा सके वोटिंग के की तरफ। और इन जनरल परसेप्शन इस समय यही है कि डिस्ट्रिक्ट में बहुत हाई परसेंटेज में वोटिंग होगी। कुछ दिन पहले हमारी होम वोटिंग हुई, उसमें भी ऑलमोस्ट 100% एक्सेप्ट 1% हर किसी ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। उस 1% ने भी इसलिए वो अपना वोट नहीं डाल पाए बिकॉज उनको कुछ मेडिकल रीजन की वजह से they were not present there on the first day, they were not present on the second day also. So बाकी हर किसी ने जो है पोलिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो कल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि we'll have a very high and a record voter turnout in the district. और आपके माध्यम से भी हम लोग हमारे सभी वोटर्स को यही रिक्वेस्ट, ये अपील करना चाहते हैं कि 5 साल में एक बार वोट का मौका आता है और ये वोट हमारे लिए इट इज नॉट जस्ट अ राइट, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जमहूरियत का जो है, इट इज डेमोक्रेसी इन एक्शन। सो इस हक को जरूर इस्तेमाल करें और कल अपना, मुझे लगता है बाकी काम भी करें लेकिन सबसे पहले अपने नजदीकी पोलिंग स्टेशन में जाके वोट जरूर डालें। थैंक यू।